जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्रिएटिव इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी मुल्तान में खुश आमदीद। आज हम आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में लेक्चर देंगे। कैनवा के ऊपर आप ऑनलाइन अपनी जितनी भी सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं उससे रिलेटेड आपको सोशल मीडिया एड्स बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत खूबसूरत एड आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बच्चों की डिमांड थी कि इसका मुझे लेक्चर बना के दिया जाए, या सर इसमें जितनी सेटिंग्स हैं जितने इसकी बनाने के तरीके हैं वो सारा कुछ बताया जाए ताकि हम जो है एक अच्छे डिज़ाइनर बन सकें। तो उसके हवाले से ये एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। तो इसको आप मेरे चैनल पे जुड़े रहें। जो बच्चे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर लें और दोस्तों से शेयर भी करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो आज हम देखेंगे कि कैनवा को हम कैसे यूज़ करेंगे और कैनवा के ऊपर कैसे डिज़ाइनिंग करेंगे। इसमें आप एक लोगो से लेकर और बड़े बड़े अच्छे डिज़ाइन, पोर्टफोलियो, प्रेजेंटेशंस, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियोस और वीडियो पूरी कस्टमाइजेशन के साथ आप सारा कुछ इस पर बना सकते हैं। जो जो आपकी डिमांड है आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं कि सर इसके बारे में वीडियो बना दें, तो मैं उसके बारे में आपको वीडियो बना कर दूंगा। और ताकि जो है ना आप उसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ अपनी जो कस्टमर हैं उनको अच्छी सर्विसेज दे सकें। तो पिछले 18 साल से मैं बच्चों को टीचिंग कर रहा हूँ, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे इस वक्त बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आपको प्रोफेशनली काम आए तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और ताकि आपको भी जो है ना अपडेटेड नॉलेज मिलता रहे। आए हम इसको इंट्रोडक्शन इसका एक तो ले लें कि ये आपने कैसे यूज़ करना है। पहली बात यह है कि कैनवा एक ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है और इसके ऊपर जो है ना ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपके पास हर चीज़ के टेम्पलेट्स मौजूद हैं। और फिर ये भी इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो आप जस्ट उसका नाम यहाँ पर सर्च करेंगे तो उसका साइज़ के साथ वो डिज़ाइन आपके पास आ जाएगा। तो हमें उसका साइज़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, साइज़ याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। जस्ट लाइक मैं जो है ना इंस्टाग्राम की पोस्ट डिज़ाइन करना चाहता हूँ तो इंस्टाग्राम की पोस्ट यहाँ पर देखें पोर्ट्रेट फॉर्म में भी है और लैंडस्केप फॉर्म में भी है। तो ये लैंडस्केप फॉर्म में 1080x1080 पिक्सल्स का जो साइज़ है सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप इन सब के ऊपर बहुत अच्छा देखा जाता है और इसकी डाटा भी रीडेबल होता है। यानी कि अगर आप ये 1080x1080 की एड डिज़ाइन करते हैं तो ये रीडेबल भी है और साथ साथ जो है ना ये आपके जितने भी ये जो फेमस प्लेटफॉर्म है फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप इन सब के ऊपर पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये हो गया कि इसमें आप हर किस्म के डिज़ाइन यहाँ पर बना सकते हैं, साइज़ लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं अपने कस्टम साइज़ लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पर नीचे आपके पास कस्टम साइज़ लगाने की ऑप्शन है, ये रहा कस्टम साइज़। तो यहाँ से अपने आपने कस्टम साइज़ भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ से कहता हूँ कि 1280x720, ये जो फिर आपके पास यूट्यूब की वीडियो का थंबनेल होता है ये उसका साइज़ मैंने लगाया है। और ये आप लगाने के बाद क्रिएट न्यू डिज़ाइन, तो इसको हम बिल्कुल ब्लैंक डिज़ाइन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ये बिल्कुल आपके पास एक ब्लैंक पेज आपके पास आ जाएगा। आप इसमें और पेज भी ऐड कर सकते हैं, पेजेस को डिलीट भी कर सकते हैं। और जब आप इस पेज को डाउनलोड करेंगे तो अपनी मर्ज़ी से आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पेज इंडिविजुअल भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपको बताएंगे, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ये डिटेल में आज जैसे इस वीडियो में मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। डिटेल हमारे दूसरे लेक्चर से स्टार्ट होगी। तो आपको मैं इंट्रोडक्शन ये दे रहा हूँ कि ये देखें इसके लेफ्ट साइड पे जो ना यहाँ पर टैब दिए हुए हैं जिसमें आपको जितने भी डिज़ाइन आप बनाएंगे वो सारे आपको डिज़ाइन में नज़र आएंगे और डिज़ाइन में आपने जो भी जो डिज़ाइन किया होगा सारा कुछ आपको यहाँ पर नज़र आएगा। एलिमेंट्स में इसके अंदर जो है ना बिल्ट इन एलिमेंट्स होते हैं। आप जस्ट लाइक यहाँ पर व्हाट्सअप का कोई आइकन चाहिए, फेसबुक का आइकन चाहिए, इंस्टाग्राम का आपको आइकन चाहिए तो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जस्ट आप यहाँ पर सर्च करते हैं इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम आइकन मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो इंस्टाग्राम से रिलेटेड आपको आइकन यहाँ पर मिल जाएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ से इसको क्लिक करके अपनी फाइल में लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट भी बहुत खूबसूरत यहाँ पर देखें आपको टेक्स्ट दिए हुए हैं, ये भी अपनी फाइल में लेकर आ सकते हैं और इनके अंदर एडिटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ब्रांड, ब्रांड ये होता है कि अगर आप इसके अंदर कोई और मज़ीद जो प्रोफेशनल चीज़ें हैं वो ऐड अप करना चाहें तो ये जस्ट आपको प्रो वर्जन में मिलेंगी। तो इसी के हवाले से मैं आपको एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं कैनवा का प्रो वर्जन सेल भी करता हूं और उसकी सेल के लिहाज से 250 इसके चार्जेस हैं लाइफ टाइम के लिए। तो उसमें जितने भी हमारे इसके जो फीचर्स हैं वो सारे आपके लिए ऑन हो जाते हैं, कोई भी आपका पेड थीम नहीं होता। आप ये पेड वर्जन मुझसे ले सकते हैं और मेरे जो वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, उसके ऊपर जो है ना आप मुझे रिंग करके ये ले सकते हैं। और इसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। और इसके अलावा जितने भी आप एक्सटर्नल इमेजेस लेकर आना चाहते हैं, अच्छा इमेजेस
वीडियोस, पीडीएफ फाइल, व्हाट्सएप और इसके अलावा वर्ड की फाइल, कोई भी आप फॉर्मेट में फाइल, ऑडियो वीडियो आप लेकर आना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपलोड करेंगे। ठीक है, अपलोड करके आप यहाँ पर लेकर आएंगे और फिर उसको अपने डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। इसके अलावा ड्रॉ में आप कोई ड्राइंग करना चाहें तो यहाँ पर पेंसिल्स भी मौजूद हैं, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है ना, आपके पास कुछ बिल्ट इन प्रोजेक्ट्स जो आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं वो सारे यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये प्रोजेक्ट्स में कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं और डिज़ाइन में आपके सैम्पल प्रोजेक्ट्स हैं, जो ये आपको सैम्पल टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर सैम्पल टेम्पलेट्स, आप कोई भी टेम्पलेट यहाँ पर लेके आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा फ़ाइल के अंदर इसकी सेटिंग्स हैं, कुछ वर्म देखेंगे, अपनी फ़ाइल का नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वर्म देखेंगे, फ़ाइल को डाउनलोड कैसे करना है, ये शेयर के अंदर ऑप्शन है तो यहाँ से हम फाइल को डाउनलोड करेंगे, और किस फॉर्मेट में करना है ये सारे यहाँ से हम फॉर्मेट बता सकते हैं। और इसके अलावा आप, ठीक है, ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप इसको फॉलो करेंगे और इसको यूज़ करके एक दफ़ा आप ओपन करके अपने ब्राउज़र में देख लें। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और एक ये वेब एप्लीकेशन भी है, आप इसको ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। canva.com आप अपने ब्राउज़र में लिखेंगे तो वहाँ से आप इसको ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तक की यही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। आप नेक्स्ट वीडियो में, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं ताकि मैं वो उसके लिहाज से आपको वीडियो बनाऊं और ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। आपका होस्ट मोहम्मद फ़ारूक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।